क्या कुछ तैयारी है सबसे पहले तो ये बताएं। आप देख लीजिए हमारे यहाँ क्या तैयारी है, हम उसमें नहीं कुछ कहेंगे। कितनी खुशी है नीतीश कुमार ने आप पर भरोसा जताया, मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रहे हैं आपको, क्या कहिएगा इसको लेकर? हम माननीय मुख्यमंत्री को कबीर के रूप में देखते हैं, कबीर। अब इससे भरोसा है जो मेरा इष्ट है उस चीज का दूसरा रूप देखते हैं। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी मंत्री पद का शपथ लेने के बाद? मेरा प्राथमिकता रहेगा माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है, 5-10 मील जमीन, नहर पैन आहार पर जो महादलित SC ST के लोग बसे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके प्राथमिकता रहेगा, ये काम करेंगे। उसका दूसरी प्राथमिकता रहेगा टोला सिंह से विकास मित्र को साथ लेकर चले, यही मेरा कार्यकर्ता है, यही मेरा मतदाता है, यही टोला सिंह से विकास मित्र मेरा हाथ पैर है। आपके आंसू, आंख से आंसू गिर रहे हैं, मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं काफी ज्यादा। रत्ने सदा जिंदाबाद। आपने जिस विश्वकर्मा का नाम लिया इसलिए उसी विश्वकर्मा के नाम पर आंसू आ जाता है। क्या एक खुशी के आंसू है? जी, एक खुशी का आंसू नहीं है, ये पूरे बिहार के महादलितों का आंसू है। आप जिस समाज से आते हैं, मांझी जी भी उसी समाज से आते हैं, मांझी जी ने कई सारे आरोप लगा दिए हैं नीतीश कुमार पर कि हमारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, 34 ऐसी योजना उनके समाज के साथ धोखा हुआ है। क्या लगता है आपके समाज के साथ सही में नीतीश कुमार की सरकार ने धोखा किया है? उस समय आने पर हम बता देंगे आपको। रत्ने जी, लेकिन अब भावुक हो जाते हैं जब भी सवाल नीतीश कुमार से जुड़ा होता है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार की खोज आज रत्ने सदा को भावुक कर देता है? उनका नाम मत ले।